नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जहां पर दिल्ली के घर में फंदे पर लटके मिले सांसद रामस्वरूप शर्मा। हिमाचल के मंडी में सांसद थे रामस्वरूप शर्मा, वहीं बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी रद्द कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। दिल्ली के घर में फंदे पर लटका मिला शव। हिमाचल के मंडी से सांसद थे रामस्वरूप शर्मा। बीजेपी विधायक दल की बैठक भी इस दौरान रद्द कर दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेन तिवारी जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। शैलेन तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक सांसद की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है रामस्वरूप शर्मा जी की, क्या कुछ कहना है, क्या जानकारी है? देखिए, अभी तक ये मामला पहली दृष्टि में आत्महत्या का लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनकी बॉडी मिली है, पंखे से लटकती झूलती हुई मिली है बॉडी, तो अभी तक ये माना जा रहा है। पुलिस अभी पूरे घर में इस बात की छानबीन कर रही है कि क्या उन्होंने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है। हालांकि अभी तक सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन अभी तक पुलिस जो मान करके चल रही है, हाँ, हालात संदिग्ध है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि एक सांसद को आत्महत्या करनी पड़ी या उनकी हत्या की गई है, तो पुलिस दोनों पहलुओं को देख रही है। लेकिन अभी तक जो चीजें, जो साक्ष्य मिले हैं, उसमें साक्ष्य हम अभी तक आत्महत्या के ही सामने आ रहे हैं। लेकिन ये खबर वाकई में चौंकाने वाली है कि सांसद की संदिग्ध हालत में मौत, वो भी दिल्ली जैसे लुटियन जोन इलाके में, जहां पर सुरक्षा से लेकर के सारी चीजें, सारे इंतजाम हैं, तो क्या वजह है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसके चलते सांसद को आत्महत्या करनी पड़ी। जी शैलेन जी, अगर सियासत जोड़ के देखा जाए तो सियासत में जो है हड़कंप मच चुका है इस मौत के बाद। अब आगे जो है कई सारी बैठकें जो है आज रद्द कर दी गई हैं, इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, बैठक तो रद्द इसलिए होना था कि संसदीय दल की बैठक थी, तो वो एक सांसद की मौत है तो भाजपा की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बैठक को रद्द कर दे। दूसरा, किसी की मौत या जिंदगी से सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सियासत चलती रहती है और वो चलती रहेगी। आज बैठक नहीं हुई है, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है वो सिर्फ यही है कि अगर रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या की है तो वो वजह क्या है कि एक सांसद जो मतलब एक देश को चला रहा है वो इतने अवसाद में क्यों गया, ऐसी क्या वजह रही, तो वो जानना जरूरी है। और वो पूरा देश जानना चाहेगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चक्कर में उनको अपने आप को आत्महत्या तक मजबूर होना पड़ा। और अगर ये हत्या है तो इतने वीआईपी इलाके में और इस तरह वहां कैसे लोग पहुंचे और ऐसे क्या टारगेट थे जिसके चलते ये हत्या की गई है। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ा सवाल सियासत से ज्यादा अगर कोई है तो वो ये है कि आखिर ये जो भी हुआ है संदिग्ध हालत में, ये क्यों हुआ है। जी धन्यवाद शैलेन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। दिल्ली के घर में फंदे से उनका शव जो है लटका हुआ मिला। वहीं हिमाचल के मंडी से सांसद थे रामस्वरूप शर्मा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी इस कारण से रद्द कर दी गई है।